गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज अपने सिग्नेचर अंदाज के साथ शुरू करते हैं अपना एफबी लाइव। और हमेशा की तरह हर बार एक ही लाइन, कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। दोस्तों, जो सफर 3 साल पहले शुरू हुआ था, ये कभी ना खत्म होने वाला सफर कंटिन्यूस फॉर लास्ट 3 इयर्स। कोरोना हेल्थ नहीं अच्छी रही तब भी यह सफर चलता रहा और आपकी गुड विशेस और ब्लेसिंग्स के साथ आगे भी चलता रहेगा। दोस्तों, ये जो जर्नी है लर्निंग की, कंटिन्यूस लर्निंग की, ये हमेशा चलती रही। सीखने और सिखाने के सफर में फिर हाजिर हैं। दोस्तों, हमारे जो लाइफ का पर्पस है कि आपको लाइफ में कुछ अलग सिखाने का, कुछ एनलाइटनमेंट करने का और आपको हल्का महसूस कराने का और कुछ ना कुछ अपनी दिन में जो हम सीखते हैं वो आगे सिखा भी पाते हैं। लाइफ एक कॉफी कप की तरह है दोस्तों। कॉफी कप को अगर हम समझें, लाइफ आप बहुत सारे लोग मैं देखता हूं लाइफ को एंजॉय करना भूलते जा रहे हैं। जो नहीं है उसकी ज्यादा चिंता करते हैं और उसी में अपनी सारी जिंदगी लगाते रहते हैं, परेशान रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं और एंजॉय करना भूल गए हैं। जो आपके पास है, एक लाइफ है, हम एक्सटर्नल गेन्स पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जो हमारे पास नहीं है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं और इनर पीस, हैप्पीनेस और कहीं ना कहीं मीनिंगफुल लाइफ की जगह परेशान रहते हैं। हम दौलत कमाना चाहते हैं, कोई गलत बात नहीं है इसमें, पर वो आपकी लाइफ का प्रमुख गोल या मकसद नहीं होना चाहिए। आपके एक्शंस के द्वारा आउटकम का नतीजा हो सकते हैं, मतलब आप जो काम कर रहे हैं उसका आउटकम हो सकता है वो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और आपके एक्शन से वो 100% मिलेंगे। वे भी आज की स्टोरी से आप रिलेट कर पाएंगे, रिलेट भी करीजिएगा। होप इट हेल्प्स यू। सेव दिस नॉलेज फॉर योर होम सेल्फ, शेयर इट फॉर ग्रोथ। लाइफ इज लाइक ए कॉफी, माय डियर फ्रेंड्स। इस बात को समझें और आपको आज की कहानी से हम रिलेट कराते हैं। एक कॉलेज के कुछ दोस्त थे, बहुत साल बीत गए, आप अपने कामों में लग गए थे। उन्होंने एलुमनी मीट करने की सोची और उन्हें डिसाइड किया कि उनके जो फेवरेट प्रोफेसर हैं उनके घर में कॉफ़ी पियेंगे। प्रोफेसर साहब से ये बात सरप्राइज की तरह रखेगी। सारे दोस्त तयशुदा समय पर और दिन पर प्रोफेसर साहब के घर पहुंच जाते हैं। प्रोफेसर साहब बच्चों के बहुत प्रिय थे, फेवरेट थे और कहीं ना कहीं बच्चों के साथ जुड़े हुए थे, उनकी मेंटोर की तरह काम करते थे। ये मीटिंग एक सरप्राइज थी तो बहुत अच्छा लगा प्रोफेसर साहब को। प्रोफेसर साहब बहुत खुश हुए सबको एक साथ देखकर। सब अपनी लाइफ में सेटल थे, एक दूसरे से जान रहे थे, पूछ रहे थे किसने क्या किया, कहाँ पहुँचे। किसी ने बताया कि मैं एक बहुत अच्छा लीडर हूँ, किसी ने बताया मैं अच्छी MNC में जॉब कर रहा हूँ, किसी ने बोला मैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ। सब कुछ ना कुछ बता रहे थे, पर धीरे धीरे टॉपिक जो है अब जिंदगी पर, लाइफ पर आता चला गया और यहाँ सब लोग सीरियस होते चले गए। क्योंकि जब टॉपिक लाइफ पर आ रहा था, कोई अपने तनाव के बारे में बता रहा था, कोई अपनी लाइफ के रिलेशनशिप के बारे में बता रहा था, कोई कंप्लेंट कर रहा था जॉब के बारे में, कोई काम का प्रेशर बता रहा था, कोई पैसे की दिक्कत बता रहा था, कोई रिलेशनशिप पर, सब कुछ ना कुछ कह रहे थे और सब बहुत सीरियस हो जाते हैं। प्रोफेसर साहब सब सुन रहे थे और वो उनको बोलते हैं, बच्चों तुम बैठो, मैं कॉफ़ी लेकर आता हूँ। और वो उठकर जाते हैं और 10 से 15 मिनट बाद वो किचन से लौटते हैं अपनी वाइफ के साथ। मैडम के हाथ में एक ट्रे थी और ट्रे में कॉफ़ी थी जिससे अच्छी स्मेल आ रही थी। बच्चों को बहुत एक अच्छा लगा, एक अच्छी स्मेल थी उसके अंदर कॉफ़ी से। और ट्रे में जो कप्स रखे थे सब अलग अलग थे, डिफरेंट टाइप्स के कप्स थे। कोई ग्लास था, कोई क्रिस्टल था, कोई बोन चाइना था, कोई सिरामिक था, कुछ ना कुछ अलग थे, कुछ एक्सपेंसिव थे, कुछ ऑर्डिनरी थे। तो प्रोफेसर साहब की जो मैडम थी, उन्होंने ट्रे टेबल पर रखी, बच्चों को लगा शायद हम ज़्यादा हैं और प्रोफेसर साहब के घर में एक तरह के सेट नहीं है, इसलिए मैडम ने अलग अलग तरह के कप रखे हैं। तो सब बच्चों ने अपने कप ले लिए। अब प्रोफेसर साहब बोले, सब ने
ट्रे में देखो अभी भी 3-4 कप बचे हैं। सबने देखा, हाँ सबको ये बात अभी बहुत हैरान लग रही थी कि बच्चे जितने थे उससे थोड़े से ज़्यादा कप थे और 4-5 कप अभी भी बचे हुए थे। प्रोफेसर साहब बोले अच्छे दिखने वाले कप सबने उठा लिए और सबने ये बात को गौर भी किया। यस, हर आदमी ने अपने को जो डिज़ाइन अच्छा लगा, जो कप अच्छा लगा वो उठाया था। सबको इस बात पे बहुत हैरानी हुई और सबने बोला ये तो हमने सोचा ही नहीं था एक्स्ट्रा कप्स के बारे में, कोच के पास क्या कप है, जो जिसको अच्छा लगा वो उठाया। प्रोफेसर साहब ने बोला सब अपनी लाइफ में भी ऐसा ही करते हैं, जो बेस्ट लगा आपने उठा लिया और यही आपकी नॉर्मल लाइफ है, यही टेंशन, यही स्ट्रेस, यही आपके डिससेटिस्फेक्शन की वजह है। सब बच्चे बहुत हैरान हुए कि प्रोफेसर साहब क्या बोल रहे हैं, कॉफी से हमारी लाइफ की टेंशन और प्रेशर का क्या मतलब है, कोई रिलेशन नहीं है। अब सबको समझ नहीं आ रहा था तो प्रोफेसर साहब बोले कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, चिंता मत करो, मैं सब समझाता हूं, कप और कॉफी का कोई संबंध नहीं है। बट कप और कॉफी में टेस्ट का भी कोई फर्क नहीं है, कॉफी एक्सपेंसिव कप या ऑर्डिनरी कप से कोई मतलब नहीं है। आपको कॉफी चाहिए, कप नहीं, आपकी लाइफ में बेस्ट चाहिए। आप लिए अपने लिए एक दूसरे को, जब आप अपनी कॉफी उठाते हैं सबसे बेस्ट कॉफी कप उठा लिया आपने और दूसरे की तरफ देख रहे थे उसके पास क्या है, अपने लिए फिर भी एक दूसरे का कप को आपने देखने लगे। लाइफ एक कॉफी की तरह है और जॉब, बिजनेस, स्टेटस, आपके रिलेशनशिप आपके कप हैं। ये सिर्फ आपकी लाइफ को होल्ड करने का एक टूल है। कप का प्रकार है और कप की क्वालिटी लाइफ की क्वालिटी को डिफाइन नहीं करता। लास्ट में सर बोले प्लीज डोंट लेट द कप ड्राइव यू, यू एंजॉय द कॉफी। यानी दोस्तों हम एक काफी लोग जो है, हम में से काफी लोग फोकस करते हैं सिर्फ कप को फोकस करते हैं, पैसा कमाना, जॉब, बिजनेस, इस पर फोकस करते हैं, कॉफी यानी लाइफ को एंजॉय करना भूल जाते हैं। रियल टेस्ट लाइज इनसाइड अस। दुनिया में जो बेस्ट हैं, खुश हैं, सक्सेसफुल हैं, वो सबसे बेस्ट इसलिए नहीं है कि वो उनके पास सब कुछ बेस्ट है, बल्कि वो सब चीज़ों में बेस्ट को ढूंढ लेते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। कॉफी इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स, उसी तरह आपकी लाइफ इंपॉर्टेंट है। लव लाइफ विथ माइंडफुलनेस, अपनी लाइफ का रियल पर्पस ढूंढें। एक बहुत आसान सी बात बोलूंगा, लाइफ क्या है, लाइफ है B to D, यानी बर्थ और डेथ के बीच का जर्नी, यह है आपकी लाइफ। बट हम सभी लोग सी को भूल जा रहे हैं, सी है चॉइस। सो आपकी चॉइस है खुश रहें, परेशान रहें या लाइफ को एंजॉय करें। माय डियर फ्रेंड्स, लाइफ B to D की जर्नी है, बट सी को याद रखें, सी बीच में है, सी है आपकी चॉइस। सो एंजॉय योर लाइफ और खुश रहें, खुशियां बांटें। विश यू वेल्थ।